एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी रेजिडेंट्स की हड़ताल लगातार जारी है। मौसमी बीमारियों का दर्द झेल रहे मरीजों की पीड़ा को भूलकर सभी रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार कर रहे, इलेक्टिव सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। रेजिडेंट्स ने प्रशासन को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र थमाया है। इधर रेजिडेंट्स ने प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है। सभी रेजिडेंट डॉक्टर जार्ड के बैनर तले स्ट्राइक पे हैं। हमने इलेक्टिव सर्विसेज बंद कर रखी है। हम एज ए डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि हम मरीजों की सेवाओं को रोकें, लेकिन आज पुरानी हड़ताल को 45 दिन हो चुके हैं। उसमें हुए समझौतों के अनुसार हमें आज भी कॉलेज के अंदर ना सुरक्षा मुहिम कराई गई है, ना हमारी सेफ्टी मुहिम कराई गई है, ना हमारे डॉक्टर ड्यूटी रूम जहाँ हम रह के काम करते हैं उनको सही किया गया है। कुल मिला के हमारे जितने भी वादे थे एक भी वादे को नहीं निभाया गया। ऐसे मजबूरी के अंदर हमें कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा हमारी पुरानी मांगे जो कि पिछले 1.5 साल से हम हमेशा से सरकार के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी हमारा स्टाइपेंड